हम बनाएंगे वेजिटेबल मिक्स पकोड़ा। ये इसके आइटम्स हैं। ओके लेट्स मेक। पहले हम डालेंगे पालक, उसके बाद हम बंद गोभी डालेंगे, प्याज, थोड़ा एक आधा प्याज डाला हमने, और थोड़ी सी हमने बंद गोभी डाली और थोड़ी सी पालक। इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। ये वेजिटेबल हमने लंबी तरह की काटी है, आप इसको क्यूब क्यूब तरह की काट ले। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया और सब्ज मिर्च। और इसके अंदर डालेंगे बैंगन, ये हमने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च और ब्लैक पेपर और कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 हमने काली मिर्च डाली और 1 हमने लाल मिर्च डाली चम्मच। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच बेसन के डालेंगे भड़े, ये 1 स्पून, 2 स्पून, और हम इसके अंदर 1 चम्मच मैदा डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये शक्कर है तो हम इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे, हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही डालने से पकौड़े खस्ता और मजे के बनते हैं और पानी नहीं छोड़ते। बेसन थोड़ा सा कम था, अब इसके अंदर हमने 1/2 स्पून डाल दिए। अब ये हमारा मटेरियल तैयार है, ये देखिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे फ्राई पैन या कढ़ाई में। ये हमने कढ़ाई ली, इसके अंदर आग ले दी, ऑयल मौजूद था, फ्लेम हमने हल्की रखनी है। ये साथ हमने ड्रम स्टिक बनाई है, ये भी हम फ्राई करेंगे, ये देखें। अब ये हम इनको फ्राई करने लगे हैं, ये देखें। साथ हमने इफ्तारी में स्पेक्टिस बनाई है, ये देखिए चिकन की। इसकी भी हम आपको रेसिपी देंगे, और ये जो हमने ड्रम स्टिक बनाई हुई है इसकी भी हम आपको रेसिपी जल्दी शेयर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, क्रिस्पी। ये पहले ही हमें इसको बटन में नहीं रखना चाहिए, पहले हम इसको ऑयल निचोड़ के किसी चीज में डालना चाहिए। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे ट्रे में, ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे क्रिस्पी हमारे पकोड़े लग रहे, वेजिटेबल पकोड़े तैयार हैं अब।